Hi guys, are you struggling to manifest your dream? Well, you are not alone. Many people face this challenge, but the good news is that there are a few things you might be missing. So let's dive into this. What are the key points you are missing? Hi guys, welcome to my channel. मेरा नाम है आस्था और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस टैरो कार्ड रिलेटिंग वीडियो की। सो अगर आप मुझसे प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हो या मेरी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हो तो सारी बुकिंग डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ वॉट यू वॉन्ट। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा आपको जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना उसका एकदम क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। आपके माइंड में नेगेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड में अनक्लियर इमेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ ड्रीम कार, बी स्पेसिफिक अबाउट कलर ऑफ कार एंड बजट एवरीथिंग। आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए है और कैसी होनी चाहिए। कन्फ्यूज्ड वाली एनर्जी रिलीज करोगे तो कन्फ्यूज्ड मैनिफेस्टेशन ही आपके पास आएगी। This means being specific about your goals and visualizing them as they already happen. आपको already उन चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा कि ये चीज़ें already आपकी life में हो चुकी हैं। This will help you to stay focused and motivated. The first point, I hope आप सब समझ गए होंगे कि आप जो भी manifest करना चाहते हो ना उसका एकदम clear image आपके mind में होना चाहिए। कौन सा रिश्ता आपको manifest करना है? आपको अपने स्पेसिफिक पार्टनर से शादी करनी है, जॉब क्लियर करना है, इंटरव्यू में पास होना है, एक्स वाई जेड। आपको एकदम क्लियर इमेज अपने माइंड में सोचनी होगी। सेकंड, यू नीड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर गोल। इट्स नॉट इनफ टू जस्ट हैव अ विजन, यू नीड टू पुट इन द वर्क टू मेक इट अ रियलिटी। आपको अपने दिमाग में सिर्फ विजुलाइज नहीं करना है बल्कि जो आपके मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आपको स्मॉल स्टेप्स भी लेने होंगे। This means taking a small step every day towards your dreams. अगर आप दिन में 24 घंटे में कोई भी एक छोटा सा स्टेप ले लोगे अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए तो ये चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन की स्पीड अप करेगी और आपकी विश को पूरा होने के लिए और ज़्यादा आपकी मदद करेगी। It's important to believe to yourself and your ability. You are capable of achieving your dreams, but you need to believe it before anyone else will. आपको ना सबसे पहले आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ पे बिलीव करना होगा कि चीज़ें ऑलरेडी मेरे लिए हैं। मैं डिज़र्व करती हूँ ये लाइफ पार्टनर, मैं डिज़र्व करती हूँ ये गोल, मैं डिज़र्व करती हूँ अब्रॉड में स्टडी करना, मैं डिज़र्व करती हूँ पैसे। आपको पहले खुद पे बिलीव करना होगा कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आप डिज़र्व करते हो। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव एनर्जी हु सपोर्ट्स योर ड्रीम। दिस विल हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड। गाइस सीरियसली एक थिंग आपको मैं बोलना चाहती हूँ, सैड सॉन्ग्स, सैड पिक्चर, ओवर ड्रामेटिक टेलीविज़न सीरियल्स ये सब कुछ देखना बंद करो। आपको नहीं पता कि ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको आपके ड्रीम्स से कितना दूर ले जाएंगी। रोने धोने वाले गाने सुनना बंद करो, हैप्पी सॉन्ग सुनना स्टार्ट करो और उन लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट करो जो लोग लिटरली आपके ड्रीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हर किसी को पूरी जानकारी अपने सपनों के बारे में देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन लोगों को पहचानो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हो? स्टडी में, कंटेंट क्रिएशन में? डू वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डू योर ड्रीम्स गाइस। अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें मिसिंग है आपकी अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन में स्ट्रगल कर रहे हो तो। ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। एंड रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है लेकिन आप इस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग योर पॉजिटिव थॉट, बाय यूजिंग योर पॉजिटिव एनर्जी। सो आज से अभी से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो वो दूर होनी शुरू हो जाएगी।